हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर। और अब आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक न्यू सीरीज़, जिसमें आज हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के। आज तो हम करेंगे 50 क्वेश्चंस, लेकिन टोटल इसमें होंगे 68 क्वेश्चंस की सीरीज़। और हम ज्योग्राफी के 3 लेक्चर्स में टोटल जो 2011 से लेके 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे इन ओनली 3 लेक्चर्स, ठीक है। और इसके जैसे कि आप सबको ही पता ही होगा कि हम इससे पहले इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की सीरीज़ और 2020, 2021, 2022 में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ भी हम खत्म कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले हमारी इकोनॉमी वाली सीरीज़ देखिए एंड देन कम टू इंडियन ज्योग्राफी। और जैसे कि आप सबको पता है आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी से, ठीक है। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अलियार, ईसापुर एंड कंसाबाती, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। ए है रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम डिपॉजिट्स, बी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सी है अंडरग्राउंड केव सिस्टम्स, डी है वाटर रिजर्वायर्स। जैसा कि मैं क्वेश्चन करवाती जाऊँगी आप से मैं चाहूँगी कि आप क्या करें, आप करें कि जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन पढ़ती हूँ आप अपनी वीडियो को पॉज करें, अपनी एक नोटबुक लें, उस नोटबुक में अपने क्वेश्चंस को लिखें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और वहाँ पे अपने आंसर्स लिखते जाएं। और जब मैं उनके आंसर बताऊँ तो अपने रॉन्ग और राइट अपने टिक करते जाएं। तो 50 क्वेश्चंस में से आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, आपका स्कोर क्या आ रहा है, और वो भी उन क्वेश्चंस में जो कि प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी में आ चुके हैं। सो यू विल गेट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहते हैं तो आप देखोगे कि अपना कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। तो जैसे कि इसमें बोला है कि व्हाट इज द कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अलियार, ईसापुर एंड कंसाबाती। तो अगर आपने सुना हो, ठीक है, अलियार, ईसापुर और कंसाबाती के बारे में, तो अलियार, ईसापुर और कंसाबाती, तो मैं इनके बारे में आपके लिए कुछ नोट्स बनवाना चाहती हूँ। अगर आप अपनी नोटबुक लेके बैठे हैं तो प्लीज़ अपनी नोटबुक रेडी रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अगर हम अलियार डैम की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अलियार डैम की अगर हम बात करते हैं तो अलियार डैम है तमिलनाडु में, अलियार डैम है तमिलनाडु में एंड इट इज़ अ ग्रेविटी डैम। ये कौन सा डैम है? ग्रेविटी डैम है, ठीक है। और ये जो है वेस्टर्न घाट्स में है, वेस्टर्न घाट्स में है एंड इट इज़ सराउंडेड बाई अन्नामलाई हिल्स। कौन से हिल्स? अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। इसके बाद ये कौन से रिवर पे बना हुआ है? इसे तो आपको समझ में ही आएगा, अलियार रिवर पे बना हुआ है। कौन से रिवर पे बना हुआ है? अलियार रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। ये अलियार रिवर किस किस के बीच में है? बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। और मेनली ये अलियार डैम क्यों बनाया गया था? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इरीगेशन को सपोर्ट करना एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जैसे कि हमारा इंडिया का मैप है, ये यहाँ केरला है और ऐसे ऐसे करके कुछ हमारा तमिलनाडु है। तो जो यहाँ पे है इस डैम की पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है, अलियार डैम यहाँ पे है, ठीक है। और अलियार एक रिवर है, आपने जैसे कि वो किया ही होगा, पता ही होगा कि जैसे कि मान लो ये अलियार रिवर है, ठीक है, ये अलियार रिवर है, ठीक है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है कन्नाडी पूजा की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी? कन्नाडी पूजा की ट्रिब्यूटरी है। और ये कन्नाडी पूजा किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये कन्नाडी पूजा किसकी ट्रिब्यूटरी है? भरथा पूजा, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। आ गया आप सबको समझ में? अलियार किस लिए फेमस है? अलियार रिवर पे एक डैम बना हुआ है, तमिलनाडु में है, ये ग्रेविटी डैम है, वेस्टर्न घाट्स में है। और आपने पढ़ लिया कि अलियार रिवर से भी रिलेटेड कुछ कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसमें एक और स्टेटमेंट थी कि ईसापुर आपने न्यूज़ में सुना होगा वो क्या है, तो याद रखना ईसापुर भी एक डैम है और ये महाराष्ट्र का बिगेस्ट डैम है, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये कौन से रिवर पे बना हुआ है? ओवर पैनगंगा रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईसापुर डैम कौन से रिवर के ऊपर बना हुआ है? पैनगंगा रिवर। और ये जैसे ये पहले वाला था अलियार डैम, वो था ग्रेविटी डैम, और जो ये ईसापुर डैम है ये है अर्थफिल डैम, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एक और, हमें बोला गया था कि कौन सी है? कंसाबाती का, ये भी एक रिजर्वायर है, ठीक है, ये भी एक रिजर्वायर है, कंसाबाती रिजर्वायर। और ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में भी कौन कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है? मिदनापुर, अभी वेस्ट बंगाल PCS भी आ रहा है तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा इसको ध्यान में रखे करती हूँ, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड है हुगली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ पे है ये, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में होता है ये। और कौन सी रिवर पे बना हुआ है? ऑन किंग्स बाती रिवर,
कंस बाती रिवर, ये इस रिवर पे बना हुआ है। तो आपने देखा कि ये तीनों क्या हैं, अलियार भी एक डैम है, ईसापुर भी एक डैम है और किंग्स बाती भी एक रिजर्वायर और डैम है। ठीक है, रिजर्वायर और डैम है, जो भी ये सारे हैं ये डैम है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये इसके नोट्स हो गए। हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कॉमन टू द प्लेस, अलियार और ईसापुर और किंग्स बाती में क्या कॉमन है, तीनों ही वाटर रिजर्वायर या डैम्स हैं। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या है, सारे वाटर रिजर्वायर्स हैं। क्या आपको ये समझ में आया, क्या आपको समझ में आया? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हमें इस फॉलोइंग पेयर्स को बताना है कि कौन सा ग्लेशियर किस रिवर से रिलेटेड है। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर किस रिवर से रिलेटेड है? तो जैसा कि हमें आप सबको पता है कि जो बंदरपुंच जो ग्लेशियर है वो यमुना से ही रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, बारा सिंगरी जो है वो चेनाब से रिलेटेड है, आपको पता है ये हिमाचल में है। ये जो बंदरपुंच ग्लेशियर है ये, सॉरी देखो मैं इसमें लिख ही देती हूँ आपके लिए, देखो ये है बंदरपुंच उत्तराखंड में, कहाँ पे है ये, उत्तराखंड में। बारा सिंगरी जो ग्लेशियर है ये है हिमाचल में, कहाँ पे है, हिमाचल में। उसके बाद आता है मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर मंदाकिनी से रिलेटेड नहीं है, मिलाम ग्लेशियर से निकलती है गौरी गंगा। कौन सी रिवर निकलती है, गौरी गंगा, मिलाम ग्लेशियर से निकलती है गौरी गंगा, ये याद रहेगा आपको, इसके नोट्स बना लीजिए हर चीज़ के। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा से रिलेटेड है, बिल्कुल है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, लद्दाख में, ये कहाँ पे है, लद्दाख में। और आपको पता होगा कि मिलाम ग्लेशियर कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में। उसके बाद है जेमू, जेमू किस रिवर से रिलेटेड है, याद रखना जेमू ग्लेशियर है सिक्किम में, और सिक्किम की जो फेमस नदी है वो है तीस्ता। ठीक है, वो है तीस्ता। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है? देखो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आ जाता है ए। तो आंसर आ जाता है, क्या आपको समझ में आया, जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है, तीस्ता रिवर से रिलेटेड है, वहीं से निकलती है आसपास से। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो मतलब नुब्रा जो रिवर है वो सियाचिन ग्लेशियर के आसपास से, लद्दाख में है सियाचिन ग्लेशियर, मिलाम उत्तराखंड में है, यहाँ से गौरी गंगा निकलती है। बारा सिंगरी जो ग्लेशियर है वो हिमाचल में है एंड चेनाब इज रिलेटेड टू इट, और बंदरपुंच ग्लेशियर उत्तराखंड में, और यमुना लगभग यहाँ से लगता है। एक जो बंदरपुंच ग्लेशियर है ना, ऐसे है जैसे कि ये बंदरपुंच ग्लेशियर है, ये मान ली बंदरपुंच ग्लेशियर है, यहाँ से ईस्टर्न फ्लैंक से जो ये इसका जो वाटर है, इस ग्लेशियर का जो वाटर है वो कंट्रीब्यूट करता है यमुना में, और जो ईस्टर्न स्लोप का जो वाटर है वो कंट्रीब्यूट करता है गंगा में। ये जो ईस्टर्न स्लोप का जो वाटर है वो करता है गंगा में, और ये करता है यमुना में। ठीक है, क्या आपको समझ में आया सारी चीज़ें? ठीक है, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी हो जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, फेमस प्लेस वर्सेज रिवर। अभी तक हमने देख लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लेसेस और रिवर वर्सेस ग्लेशियर, अब आ गया फेमस प्लेसेस वर्सेस रिवर। ठीक है, फेमस प्लेसेस वर्सेस रिवर, देखो पंडरपुर तिरुचिरुपल्ली आपने ना भी सुना हो, लेकिन आपने एक फेमस टाउन का नाम तो सुना होगा हम्पी, आपने एक फेमस टाउन का नाम तो सुना होगा हम्पी। ठीक है, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, आपको ये तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए कौन से स्टेट में है, ये है कर्नाटका में। ठीक है, और कौन से रिवर के ऊपर है, ये मालप्रभा रिवर के ऊपर नहीं है, ये तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है। कौन से रिवर के ऊपर है, ये तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको पता है ना तो आप इस क्वेश्चन को कर जाओगे, क्योंकि इसमें ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग दे रखी है। अगर थर्ड रॉन्ग है ना तो इसका आंसर हमारे पास सीधा आ जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास सीधा आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो आपको ये भी मतलब रटी लेना चाहिए कि जो पंडरपुर है वो है महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र में, और चंद्रभागा रिवर जो है मतलब चंद्रभागा रिवर पे ये है, अलोंग दी चंद्रभागा रिवर। तिरुचिरुपल्ली एक फेमस प्लेस है। ठीक है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में, और ये किस रिवर के अलोंग है, वो कावेरी। ठीक है, आ गया समझ में, ये क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। खरीफ क्रॉप के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है कि लास्ट 5 ईयर में उसका क्या हो रहा है। ठीक है, देखो एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाइएस्ट, देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड है एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ जवार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स, कि इसमें बोला है कि जवार का जो एरिया वो ऑयल सीड्स से ज़्यादा है। ओके, थर्ड देख लें एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन, कि कॉटन कल्टीवेशन का जो एरिया है वो शुगर केन से ज़्यादा है। फोर्थ देख लेते हैं एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन है स्टीडिली डिक्रीज, देखो क्या आपको लग रहा है कि शुगर केन का जो एरिया है वो स्टीडिली डिक्रीज किया है, क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल तो गवर्नमेंट जो है बोल रही है कि आप शुगर केन ज़्यादा उगाने लगे हो, ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, आप जो है शुगर केन को कम से कम उगाओ। ठीक है, तो एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन डिक्रीज नहीं हुआ है, वो तो मतलब लगभग सेम ही है, मतलब बड़ा बेशक होगा लेकिन कम नहीं हुआ है, तो हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, अगर हमारी फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है तो देखो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है 1 एंड 3, हमारी स्टेटमेंट सही है, 1 एंड 3 हमारी स्टेटमेंट सही है। इसमें 1 एंड 3 अगर हमारी स्टेटमेंट सही है तो हम देख लेते हैं कि एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट, खरीफ क्रॉप में सबसे ज्यादा एरिया किसका है, राइस कल्टीवेशन का, पैडी का, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रटने लायक है स्टेटमेंट। सेकंड है एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ जवार इज मोर देन ऑयल सीड्स, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों है ये स्टेटमेंट रॉन्ग? क्योंकि ऑयल सीड्स के अंडर जो एरिया है ना दैट इज मोर देन जवार,
दैट इज मोर देन ज्वार। और थर्ड स्टेटमेंट आ जाता है कि एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो कॉटन कल्टीवेशन के अंडर जो एरिया है दैट इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन, वो शुगर केन से ज़्यादा है। तो जो ज्योग्राफी है ना उसमें जो इंडियन ज्योग्राफी है ना, इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड यू विल हैव टू लर्न देम। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन कंट्री। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ माइनर मिनरल्स, बट द पावर्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, थर्ड देख लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सैंड एक माइनर मिनरल है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो हम है ना इन सब चीज़ों के बारे में सारी चीज़ें देख ही लेते हैं कि ये सब चीज़ें किस बारे में। ठीक है, इसके हम नोट्स ही बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि सैंड, इसमें बोला है कि सैंड, देखो सैंड, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सैंड है वो एक माइनर मिनरल है। ठीक है, सैंड कौन सा एक माइनर मिनरल है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, किस में लिखा गया, ये एक एक्ट है हमारा माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 का एक लॉ है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट। उसमें लिखा गया है कि जो सैंड है वो एक माइन मिनरल है। और इसमें और क्या बताया गया है कि जो माइनर मिनरल्स हैं उनके लिए द स्टेट गवर्नमेंट इज इम्पावर्ड, स्टेट गवर्नमेंट इज इम्पावर्ड। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इम्पावर्ड है किसके लिए, टू मेक रूल्स टू रेगुलेट डैम। डैम मीन्स माइनर मिनरल्स। यह आया समझ में? और कौन कौन से लॉज टू मेक रूल्स, रूल्स कौन से, बोथ लेजिस्लेटिव एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव, दोनों समझ में आ गए। अब हम आ जाते हैं कि जैसे कि ये किसमें है कि मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट, आपको पता ही होगा 7th शेड्यूल में जो लिस्ट दे रखी है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उसमें फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, तो जो माइनर मिनरल्स आ जाते हैं वो सेकंड लिस्ट में आ जाते हैं, स्टेट वाली में आ जाते हैं सेकंड लिस्ट में आ जाते हैं, और जो ये मेजर मिनरल्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वो फर्स्ट में आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट में आ जाते हैं। तो अगर हम बोल करें कि तो सैंड है, हमें एक का पता चल गया, अगर हमें बहुत सारे बोल दिए जाएँ कि माइनर मिनरल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, हमें तो पता ही नहीं माइनर्स मिनरल्स कौन कौन से हैं। तो माइनर मिनरल्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे माइनर्स मिनरल्स हैं, उसमें आते हैं जैसे कि स्टोन्स, क्ले, सैंड, बोल्डर्स, पेबल्स, सिंगल, कंकर, लाइमस्टोन, जितने भी छोटे छोटे मार्बल, सैंडस्टोन, क्वार्टाइट, साल्टपेटरी, जितने भी हैं ना, ये सारे हैं माइनर मिनरल्स। ओके, आगे आपको समझ में। अगर हम मेजर मिनरल्स की बात करें तो मेजर मिनरल्स जो होते हैं वो जैसे कि हो गया यूरेनियम, हो गया कोल, हो गया गोल्ड, हो गया आयरन ओर, हो गया ठीक है लिग्नाइट, हो गया, ये सारे किस में आते हैं, मेजर मिनरल्स में आते हैं, ये सारे किस में आते हैं, मेजर मिनरल्स में आते हैं। देखो अगर ये तो हो गए कि माइनर मिनरल्स क्या होते हैं, मेजर मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है, मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स क्या होते हैं, और ये जो है कौन इनको माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के अंदर किसको इनको वो किया गया है। ठीक है, एक और चीज़ आती है कि जैसे कि मेंस में या फिर हमारे प्री में भी कोई क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जो माइनिंग सेक्टर है इंडिया का, जो इंडिया का माइनिंग सेक्टर वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, तो याद रखना कि 1.7% ऑफ जीडीपी का जो है ना वो हमारा माइनिंग सेक्टर है, 1.7% ऑफ जीडीपी ओनली। अगर हम वही अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वहाँ पे जो माइनिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो 7-7.5% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, और हमारा कितना है, तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का कितना है, 7-7.5% ऑफ जीडीपी। ठीक है, अगर हम ओवरऑल बात करें कि इंडिया का जो माइनिंग में है मतलब मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं, ओवरऑल जो है ना, अगर हम ओवरऑल करें, इंडिया जो है इंपोर्टर है मिनरल्स का। क्या है, इंडिया इंपोर्टर है मिनरल्स का। ठीक है, इंपोर्टर है मिनरल्स का। देखो इसी चीज़ में है ना, मतलब माइनिंग सेक्टर में एक और चीज़, मतलब एक और टर्म यूज़ होती है, जैसे कि होता है ना कि पिछली बार एक और टर्म आई थी, अभी मेरे को याद नहीं है, इससे ही पहले लेक्चर में एक टर्म थी जो टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड थी, एक और इसमें टर्म है ओजीपी, ओबियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल। ठीक है, कि इंडिया में कितना पोटेंशियल है मिनरल्स का, कि इंडिया में कितने तक मिनरल्स पाए जा सकते हैं। तो ठीक है, तो अभी इंडिया
इंडिया हैज़ एक्सप्लोर्ड ओनली 10% ऑफ ओ जी पी. जितना मान ले हमें 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 लग रहा है कि हमारा जो पोटेंशियल है वो 100 है, लेकिन अभी इंडिया ने जो एक्सप्लोर किया वो ओनली 10% है माइनिंग सेक्टर का. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? हाँ, हो सकता है 50% से ज़्यादा बोल दें, 60% से ज़्यादा बोल दें, 70% बोल दें, क्योंकि जो अभी मैंने बोला था कि जो अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया है उसका जो ओ जी पी है उसका 70-80% ऑफ जी डी ऑफ ओ जी पी जो है वो मतलब एक्सप्लोर हो चुका है 70-80%. ठीक है, और हमारा ओनली 10%. तो कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इंडिया के माइनिंग सेक्टर में. ठीक है, तो क्या ये आपको बात समझ में आ रही है? सारी चीज़ें समझ में आ गई. और आपको पता ही होगा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी क्रिएट किया गया है, इसी के अंडर है. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी इसी के अंडर है. ठीक है, यही जो भी डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट होते हैं माइनिंग वर्क से, उनको जो भी माइनर्स होते हैं उनके वही फंड करते हैं उस कंट्रीब्यूशन को. ठीक है, और इस बिल एक बिल भी आया था, माइनिंग मिनरल्स अभी 2021 में माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल भी आया है 2021 में. ठीक है, इसके भी जो फीचर्स है वो भी आपको पता होने चाहिए. इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था ट्रांसपेरेंसी इन ऑक्शन प्रोसेस, ताकि ऑक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आ सके. सेकंड, 100% FDI कर दिया है कोल सेक्टर में थ्रू ऑटोमेटेड रूट. ठीक है, एक है कि हमें जो माइनिंग सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन, जैसे कि अभी कितना है, 1.75% है ना, उसको हमें 2.75% तक ले जाना है GDP का. ये था एक ये हमारा टारगेट इसमें बोला गया है कि हम इसको करेंगे. ठीक है, और एक और है कि ये जो बिल है इसमें जो नॉन कैप्टिव माइंस हैं उनका जो डिस्टिंक्शन है उसको रिमूव कर दिया गया है. मतलब अब कोई भी एक्सप्लोरेशन के लिए कोई माइंस नहीं रहेंगी. ठीक है, और इसमें क्या है, लाइसेंस ट्रांसफ़र, स्टैट्यूटरी परमिशन वाले भी कुछ हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी है, एक नॉन प्रॉफिट बॉडी जो है. तो ये सारी चीज़ें अमेंडमेंट बिल में डाली गई हैं. आपको मैंने बता दिया कि आपको कितनी सारी चीज़ें अभी पता चल गई हैं. देखो, सबसे पहले सेंड के बारे में पता चल गई, स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है वो पता चल गई, माइनर मिनरल्स के बारे में पता चल गया, मेजर मिनरल्स के बारे में पता चल गया, माइनिंग सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करती है वो पता चल गया, ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल किस ये टर्म है किससे माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड है. ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया है. अब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी आपको पता चल गया, 2021 में अमेंडमेंट आया, कुछ कुछ उसके फीचर्स भी आपको पता चल गया. तो ऑब्वियसली आपको सब पता चल गया. अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिस पे हम थे. ठीक है, माइनर मिनरल, सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन कंट्री. सैंड इज अ माइनर मिनरल, क्या एक सैंड माइनर मिनरल है? अभी मैंने बताया ये चीज, तो इस सैंड क्या है, एक माइनर मिनरल है. ये समझ में आ गई. स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ माइनर मिनरल्स, बट द पावर्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये बिल्कुल गलत बोलता है. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल्स भी बना सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर मिनरल्स. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स. जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर है रूल्स बनाने की ताकि इलीगल माइनिंग ना हो सके. तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. तो ये इसका आंसर हो जाता है ए. तो इसका आंसर हमारा हो जाता है ए. क्या आपको समझ में आया? तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी. सेकंड है, बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार. थर्ड है, द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वॉज इन 1991 एंड इट हैज़ रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन. तो हम एक चीज़ देख रहे थे कि बैरन आइलैंड क्या सच में है. तो याद रखना, यस, बैरन आइलैंड इंडियन टेरिटरी में है और एक एक्टिव वोल्केनो ही है. ठीक है, कहाँ होता है, जैसे कि ये अंडमान निकोबार है, यहाँ पे है बैरन आइलैंड, यहाँ पे हमारा बैरन आइलैंड. ठीक है, अंडमान सी में, कहाँ पे है, अंडमान सी में है हमारा बैरन आइलैंड. इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है. ठीक है, अंडमान आइलैंड से ऐसे है. और सबसे और एक चीज़ इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट बोल कि लास्ट टाइम जो बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्शन हुआ था, ये अभी 2017 में इरप्ट हुआ है, अभी 2017 में इरप्ट हुआ. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि 1991 में लास्ट टाइम हुआ था. तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया. अगर आपको करंट अफेयर्स भी आप पढ़ते हो ना, यहीं से आपको पता चलता है कि करंट अफेयर्स आपके कैसे हेल्प कर रहे हैं. आपको एक इवेंट पता था कि अभी बैरन आइलैंड फटा था, ठीक है, इरप्ट हुआ था. तो अगर ये स्टेटमेंट है उसको आप काट सकते हो. अगर एक स्टेटमेंट आपने काट दिया डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है ए. ठीक है, तो ये जो है ग्रेट निकोबार से नहीं, अंडमान से थोड़ा सा इसमें है, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है अंडमान आइलैंड से. ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, पूरी बात समझ में आ गई. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक. आर्टिफिशियल लेक कौन सा है? तो देखो, ये सब चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए कि कौन सा आर्टिफिशियल है, कौन सा मैनमेड है. तो याद रख लेना कि जो कोडाई कनाल है ना, कोडाई कनाल, उसको कोडाई लेक भी बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? कोडाई लेक. इसको बोलते हैं कोडाई लेक भी, इसको बोलते हैं. ये भी क्या है? एक मैनमेड लेक है. क्या है ये? एक मैनमेड और आर्टिफिशियल लेक है. कहाँ पे? तमिलनाडु में.
कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है, ये उसमें लिख के रखा है। तो ये जो है ये एक आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड लेक है, आर्टिफिशियल लेक है। और जो सारे हैं, कोलेरू लेक आंध्रा में है, नैनीताल उत्तराखंड में है, रेणुका हिमाचल में, ये रट लेना, ये सारे नेचुरल हैं। कुटाई कैनाल क्या है, आर्टिफिशियल लेक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कौन सा आर्टिफिशियल लेक है, कौन सा क्या है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। ओके, आंध्रा प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। थर्ड स्टेटमेंट, राजस्थान हैज़ आयरन ओर माइंस। जैसे कि आपको पता है कि देखो हमारी ये जो इंडियन ज्योग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इंडियन ज्योग्राफी की जो हमारी क्लास 11 12th की जो बुक्स में इंडियन ज्योग्राफी के बारे में दे रखा है, आप तो उसको मतलब मिस ही नहीं कर सकते। इतने सारे क्वेश्चन इससे आए हुए हैं कि इंडिया में कहाँ क्या मिनरल्स माइंस जो भी चीज़ मिलती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारी 8th स्टेटमेंट हमें क्या बोल रही है। ठीक है, इन इंडिया द स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। तो याद रखना कि नॉन कोल माइंस को भी का भी ऑक्शन स्टेट गवर्नमेंट कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है कि नॉन कोल माइंस का ऑक्शन स्टेट गवर्नमेंट कर सकती हैं। तो अगर वन गलत तो हमारी दो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती हैं। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। ठीक है, और थर्ड है राजस्थान हैज़ आयरन ओर माइन। तो ये स्टेटमेंट थर्ड जो हमारी बिल्कुल सही है कि राजस्थान में आयरन ओर माइन है, और वो भी है कहाँ पे, भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है हमारी, भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ऑपरेशनल है। सेकंड है आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। देखो हमारी 3 गोल्ड माइन्स हैं इंडिया में, 3 गोल्ड माइन्स हैं। ठीक है, याद रख लेना इनको, या फिर मैं नोट्स ही बना दूँ। देखो मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, इस पर इंडिया में 3 गोल्ड माइन्स हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हैं, हुट्टी एंड उट्टी कहाँ पे, कर्नाटका में। हुट्टी एंड उट्टी कहाँ पे, कर्नाटका में, यहाँ पे गोल्ड माइन है। सेकंड है हीरा बुदीनी, ये कहाँ पे है, झारखंड में है। थर्ड है केंद्रा गोचा, ये भी कहाँ पे है, झारखंड में, ये भी कहाँ पे है, झारखंड में। तो तुम्हारे 3 गोल्ड माइन्स हैं, हुट्टी एंड उट्टी, हीरा बुद्धी, केंद्रा गोडा। ठीक है, तो ये 3 माइंस हैं। तो इसमें बोला है कि ये कर्नाटका में है और झारखंड में, दो ही जगह हैं। तो आंध्रा में तो नहीं है, झारखंड में तो है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रोंग हो जाती है, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी रोंग हो जाती है। इसका आंसर आ जाता है डी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या बोल रखा है कि द सोर्स ऑफ दिस रिवर इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। सेकंड, रिवर रणजीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तिस्ता। थर्ड, रिवर तिस्ता फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। देखो सबसे पहले जो सोर्स है ना तिस्ता रिवर का, वो है कौन सा ग्लेशियर, पाहुनरी ग्लेशियर सिक्किम में है। ठीक है, पाहुनरी ग्लेशियर सिक्किम में है। ठीक है, और ये इसमें बोल रखा है कि इसका भी सेम ही है, मतलब ब्रह्मपुत्रा का जो है वो सेम है। तो ब्रह्मपुत्रा का तो भी यार अलग है ना, ब्रह्मपुत्रा का अलग है ना, आंगसी ग्लेशियर में, इसका आंगसी ग्लेशियर है, आपका पाहुरी ग्लेशियर है, ये नॉर्थ हिमालयाज में है, ये साउथ हिमालयाज में है, तो सेम तो नहीं है। ये तो आपको समझ में आ गया कि सेम तो नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी है वो तो हो जाती है रॉन्ग। अगर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है तो इसका मतलब हमारी सेकंड स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि रिवर रंजीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तिस्ता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो रिवर रंजीत है वो मेन ट्रिब्यूटरी है रिवर तिस्ता की। ठीक है, थर्ड है कि रिवर तिस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। क्या रिवर तिस्ता डायरेक्ट फ्लो कर जाती है बे ऑफ बंगाल में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जो रिवर सॉरी हाँ क्योंकि जो रिवर तिस्ता है पहले जो ये मीट करती है वो करती है ब्रह्मपुत्रा से, और ब्रह्मपुत्रा जो है बाद में गंगा से मिलती है, और गंगा फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। तो ये डायरेक्ट जो है जाके नहीं मिलती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया नाइन्थ क्वेश्चन कैसा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया द हिमालयज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। तो हिमालयज कितनी स्टेट्स में हैं। ठीक है, अब हम सेकंड है वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। थर्ड स्टेटमेंट इज पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली। ठीक है, तो जो सबसे पहले है पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली, बिल्कुल सही बात है, आंध्रा एंड तमिलनाडु। पुलिकट लेक दो ही स्टेट्स के बीच में है। अब है वेस्टर्न घाट्स जो है 5 स्टेट में है। वेस्टर्न घाट 5 स्टेट में कैसे हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। तो वेस्टर्न घाट्स कितने में है, 5 स्टेट में है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इन इंडिया द हिमालयज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। क्या हिमालयज केवल 5 स्टेट्स में है। सबसे पहले देख लेते हैं जम्मू कश्मीर, मतलब ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर मान लो, ठीक है, लद्दाख वाला एरिया। फिर है हिमाचल, देन है हमारा ये उत्तराखंड, देन है हमारा सिक्किम, देन है हमारा वेस्ट बंगाल, देन है हमारा आसाम, देन है हमारा अरुणाचल। कितने हो गए, 4 और 3 7। तो 7 तो हमने गिन दिए, तो ये तो नहीं है, ठीक है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड है,
और थर्ड भी है, सॉरी 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 सॉरी, वेस्टर्न घाट्स में, यहाँ पे तमिलनाडु भी है, यहाँ पे तमिलनाडु भी है, सॉरी ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, 5 नहीं 6 स्टेट्स में तमिलनाडु भी इसमें आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है बी, इसका आंसर हो जाता है बी की 3 स्टेट है, ये 6 स्टेट में है, इसमें हमने 7 गिनती है और इसमें हमारे 2 स्टेट है पुलिकट लेक उन्हीं के बीच में है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, इफ़ यू वॉन्ट टू सी घड़ियाल इन देयर नेचुरल हैबिटेट, तो वो आपको कहाँ दिखेगा, भितरकनिका मैंग्रोव्स, पुलिकट लेक, चंबल रिवर, दीपोरबिल, तो ये तो मेरे को लग रहा है सबको ही पता होगा, लगभग ही सबको पता होगा कि जो घड़ियाल है वो कहाँ मिलेगा, ठीक है, चंबल रिवर, कहाँ पे, चंबल रिवर, और चंबल रिवर के बारे में तो आप और भी बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, जैसे कि एक है नेशनल चंबल सेंचुरी, एक है नेशनल चंबल सेंचुरी, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कौन सी है, ये है ट्राई स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया, कौन सा है, ट्राई स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया है ये, कौन सी, तीन स्टेट हैं, यूपी, एमपी, राजस्थान, इसके बॉर्डर पे है, ठीक है। उसके बाद नेशनल चंबल सेंचुरी तो है, ये तो आपको पता ही चल गया, ठीक है। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे कौन कौन से हैं जो एनिमल्स रहते हैं जिनको प्रोटेक्टेड हैं और ये वहाँ पे रहते हैं, तो याद रखना क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, एक तो घड़ियाल है, घड़ियाल का ये हैबिटेट है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, एक है रेड क्राउंड, एक है रेड क्राउंड रूफ टर्टल, एक है रेड क्राउंड रूफ टर्टल, ये क्या क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, एक है एक स्पीसीज हमारी इंडेंजर्ड जो वहाँ पे रहती है, वो है गंगीज रिवर डॉल्फिन, गंगीज रिवर डॉल्फिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और जो घड़ियाल हैं वो हैं, जो घड़ियाल होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं, ये जो हैं फ्रेश वाटर होते हैं, इसीलिए ये इंडिकेटर ऑफ क्लीन वाटर भी माने जाते हैं, रिवर का क्लीन वाटर है, इससे हमें पता चलता है। आपको पता है कि इंडिया में अगर हम इंडिया की बात करें, 3 टाइप के हमें क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, 3 टाइप्स के हमें क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, कौन से, एक होते हैं घड़ियाल्स, एक होते हैं मगर, एक होते हैं मगर, और एक होते हैं सॉल्ट वाटर, एक होते हैं सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर जो होते हैं वो होते हैं लिस्ट कंसर्न, सोल्ड वाटर होते हैं लिस्ट कंसर्न, मगर जो होते हैं वो होते हैं वनरेबल, और अभी मैंने बताया घड़ियाल क्या होते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें लर्न एंड मग अप देम, ये चीज़ें जो है ना इन्वायरमेंट में आएंगी, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें आ गया तो मैं इसमें भी बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है, घड़ियाल के बारे में चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं तो कहाँ मिलेंगे घड़ियाल, चंबल रिवर में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे घड़ियाल, चंबल रिवर में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इफ़ यू ट्रैवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा, कोहिमा कहाँ है, कोहिमा कहाँ है, नागालैंड कहाँ है, नागालैंड, और कोट्टयम कहाँ है, केरला, कोट्टयम कहाँ है, केरला। तो देखो सबसे पहले हम नागालैंड जाएंगे, उसके बाद असम जाएंगे, असम के बाद वेस्ट बंगाल जाएंगे, ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद हम जाएंगे आंध्रा, नहीं सॉरी उड़ीसा, उड़ीसा के बाद जाएंगे आंध्रा, आंध्रा के बाद हम जाएंगे कर्नाटका, और कर्नाटका के बाद हम जाएंगे केरला। इसने बोला है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विद इन इंडिया थ्रू विच यू कैन ट्रैवल इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, ओरिजिन और डेस्टिनेशन भी हमें काउंट करनी है, तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन स्टेट्स होगी, तो आ गया बी, मिनिमम इतनी स्टेट्स तो हमें पार ही करनी पड़ेंगी वहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार के जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट कौन सा है, तो ये चीज़ तो आपको रटनी ही होगी कि इसके जो सबसे पास है वो है सुमात्रा, वो कौन है, सुमात्रा, क्योंकि जैसे कि हमारे निकोबार आइलैंड खत्म होते लास्ट वाला ग्रेट निकोबार, जैसे यहाँ पे तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार के यहाँ ही से शुरू हो जाता है सुमात्रा, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया वाले आइलैंड होते हैं ना ये, बाली, तो ये सारे इंडोनेशियन आइलैंड है, तो इसमें सबसे पास में आ जाता है सुमात्रा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन बीइंग ए गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में सबसे अच्छा लिंक कौन सा है, ठीक है, तो हमें बताना है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नल्लामल्ला फॉरेस्ट, नागरहोल टाइगर नेशनल पार्क, सस्टलम बायोस्फीयर रिजर्व। तो एक चीज़ याद रखना, आपने ये तो जरूर ही पढ़ा होगा कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को जो एक जो माउंटेन्स या कुछ भी अलग करता है उसको बोलते हैं नीलगिरीज, 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 ठीक है, नीलगिरीज, ये नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है यूवे कनेक्ट करता है ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को, तो इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक आता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, बिल्ली गी रंगा स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिगूर प्लेट्यू, सिगूर सॉरी सिगूर प्लेट्यू, उसके बाद आता है मधुमलाई नेशनल पार्क, उसके बाद आता है बांदीपुर नेशनल पार्क,
मुकुर्ती नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और अरालम नेशनल पार्क, अरालम नेशनल पार्क। तो एक चीज़ याद रखना, अगर नीलगिरी कनेक्ट कर रहा है तो जो भी उसके अंदर चीज़ें होंगी अगर उसका कोई नाम दे दे तो वो भी तो उसको कनेक्ट करेंगी ना। तो इसमें दे रखा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मेरे ख्याल से इसमें दे रखा है, तो हम देख लेते हैं कि कौन सा है। यस, सबसे पहला सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तो कौन सा कनेक्ट करेगा, यही करेगा। नीलगिरी के अंदर जितनी चीज़ें वो सारी कनेक्ट करेंगी ना ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को। तो क्या आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एट वन ऑफ द प्लेसेज इन इंडिया इफ़ यू स्टैंड ऑन द सी शोर एंड वॉच द सी, यू विल फाइंड दैट द सी वाटर रिसीड्स फ्रॉम द शोर लाइन ए फ्यू किलोमीटर एंड कम बैक टू द शोर ट्वाइस अ डे। यू कैन एक्चुअली वॉक ऑन द सी फ्लोर वैन द वाटर रिसीड्स, दिस यूनिक फिनोमिना इज सीन एट। देखो आपने सब पढ़ लिया कि सी वाटर जो है दिन में दो बार पूरा चला जाता है 1 से 1.5 किलोमीटर तक और फिर दोबारा आता है, सब दो बार होता है। तो ऐसा है, एक ही है ऐसा वर्ल्ड में फेमस एक ही है, वो है चांदीपुर बीच। कौन सा है? चांदीपुर बीच। और चांदीपुर बीच को हम हाइड एंड सीक बीच भी कहते हैं, हाइड एंड सीक बीच भी बोलते हैं इसको। तो ये यूनिक है ये वर्ल्ड वर्ल्ड में, ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे सी वाटर जो है रिट्रीव करता है 1 से 5 किलोमीटर हर दिन, ठीक है, और फिर दोबारा आ जाता है और ऐसा दिन में दो बार होता है। तो ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस चांदीपुर बीच है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर शेल गैस रिसोर्सेज फाउंड, शेल गैस के रिसोर्सेज इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, शेल गैस के रिसोर्सेज इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो एक चीज़ याद रखना, तीनों जगह पाए जाते हैं। कैम्बे बेसिन में भी पाया जाता है, कैम्बे बेसिन में भी पाया जाता है, कहाँ पे? अहमदाबाद में। कैम्बे बेसिन कहाँ? अहमदाबाद में। और कावेरी बेसिन में भी पाए जाते हैं, आपको पता है कावेरी बेसिन तमिलनाडु में। कृष्णा गोदावरी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया, ठीक है, ये सारे ही हो गए, तो तीनों में पाए जाते हैं, ठीक है। 17 है, रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज अंडरटेकिंग, अभी किसके बारे में बात चल रही है रिवर को लिंक करने के लिए? तो इसका जो होता है कृष्णा गोदावरी को लिंक करने की बात चल रही है, आ रही ये जो सॉरी जो ये आइडिया दिया था, ये दिया था सर आर्थर कॉटन ने, सर आर्थर कॉटन ने ये आइडिया दिया था कि इनको लिंक करना चाहिए, ठीक है, दो रिवर्स को। अब आ जाते हैं 18 पे। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट टू बी कनेक्टेड टू द सी बाई लॉन्ग नेविगेशनल चैनल, रिसेंटली कौन से स्टेट्स ने आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट बनाने की सोची है? तो एक चीज़ याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान ने ऐसा सोचा है। किसने सोचा है? राजस्थान ने। कहाँ पे? जालौर में। कहाँ पे? जालौर में। और किससे कनेक्ट करेगा फिर ये? अरेबियन सी से, अरेबियन सी से ये कनेक्ट होगा। तो राजस्थान में गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि हम जालौर में एक आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट बनाएंगे जो कि नेविगेशनल चैनल के थ्रू जोड़ दिया जाएगा सी से। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की हमें ट्रिब्यूटरीज की बात बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट है? तो देखो दिबांग, कामेंग, लोहित, ये तो तीनों ही हैं। अगर हम ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज की बात करें, एक होती है राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, एक होती है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। अगर राइट हैंड की बात करें तो एक तो होगी कामेंग, एक होगी मानस, ठीक है, एक होगी तीस्ता, एक होगी सुबानसिरी, ठीक है, ये होती है, ये होगी हमारी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। अब आते हैं लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज पे। लेफ्ट हैंड में आता है दिबांग, लोहित, धानसिरी एंड किलांग, ठीक है, ये हमारे आते हैं लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में। अब हम देख लेते हैं कि ट्रिब्यूटरीज में पूछे नहीं राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो सारी हैं, दिबांग भी है, कामेंग भी है, लोहित भी है, तो इसका आंसर आता है डी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है? आप सभी को बता रहा हूँ अरुणाचल सबसे ईस्टर्न मोस्ट है, तो देख लेते हैं। अरुणाचल तो दो में दे रखा, दो क्वेश्चन में अरुणाचल है। उसके बाद वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है? गुजरात है। वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है? गुजरात है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? डी, अरुणाचल एंड गुजरात। सब आगे समझ में, तो आपको मैप देख के ही पता चल जाना चाहिए अगर इंडिया का आपको आता है मैप, जैसा भी बने जैसा भी आता है, सॉरी मैं बहुत ही ज़्यादा गंदा बना रही हूँ, ठीक है, ये हमारा मैप है, कुछ ज़्यादा ही ये लंबा बना दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये जैसा ऐसा मैप है, तो ये ईस्टर्न मोस्ट यहाँ अरुणाचल है और यहाँ पे जो है हमारा गुजरात है, ठीक है। तो आगे आपको समझ में ये सारी चीज़ें। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 21 पे, सॉरी 21 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, हमें बतानी है गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है ना इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। एक तो होती है लेफ्ट हैंड, एक होती है राइट हैंड। अगर राइट की बात करें तो यहाँ पे आ जाती है परवरा, परवरा मंजीरा और एक होता है मनेर। ये जो तीन है ये कौन सी है? राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है ओनली। और ये जो बेसिन बनाती है 11% बेसिन एरिया ही बनाती है,
ठीक है 11% बेसिन एरिया बनाती है ये हमारी गोदावरी का। अगर हम लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो उसमें आती है पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सॉरी प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, ठीक है ये जो है ये 57% बेसिन मिलाती है गोदावरी का। तो याद रखना है इस चीज़ों को, इसमें बोला है ट्रिब्यूटरीज, तो वंशधारा इसमें कहीं पे आया, इसमें कहीं वंशधारा आया तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो है नहीं, ठीक है तो फर्स्ट तो काट दो इसमें से। सेकंड है इंद्रावती, क्या इंद्रावती आया, इंद्रावती तो आया, क्या प्राणहिता आया, देखिए रही इंद्रावती, ये रही प्राणहिता, ये भी आया, पेनार आया, पेनार नहीं आया, तो फोर्थ को काट दो। तो आ गया सीधा आंसर, आ गया हमारा सीधा आंसर। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 22 पे, अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 22 पे। इन ए पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया द लोकल पीपल ट्रेन द रूट्स ऑफ लिविंग ट्रीज इनटू रोबस्ट ब्रिजेस अक्रॉस द स्ट्रीम्स, एज टाइम पासिस दीज ब्रिजेस बिकम स्ट्रॉन्गर, दीज यूनिक लिविंग रूट आर फाउंड इन, कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको रटनी ही होगी कि जो ये है ये मेघालय में पाए जाते हैं लिविंग रूट ब्रिजेस, लिविंग वर्ल्ड फेमस है ये, मोस्ट फेमस है, और इसका भी मतलब यहाँ पे भी एक जो सबसे फेमस जो है ना वो है डबल डेकर, डबल डेकर रूट ब्रिज नियर चेरापूंजी के पास है, नियर चेरापूंजी, तो ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स अरुणाचल, हिमाचल, मिजोरम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कर। देखो ये तो आपको चीज़ों को ना रटने पड़ेंगे, कौन से फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, रटने ही हैं, ठीक है। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट रटिफाइंग, केवल फिजिकल ज्योग्राफी है जहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग में भी आपको रटना ही है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो जो इसका आंसर हो जाता है वो जाता है सी, तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है सी, ठीक है, कि अरुणाचल और मिजोरम में हमें ये पाए जाते हैं। मेनली ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं याद रखना, ईस्ट एंड वेस्ट स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पाए जाते हैं। तो क्या हिमाचल नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो सेकंड तो कट हो जाता है, सेकंड कट हो गया तो हमारा आंसर आ गया दोनों में ही। और तो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज ए टीक ए डोमिनेंट्री स्पीसीज, हमें बतानी है कि टीक कहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्पीसीज है। तो इसका याद रखना ये डेसिडुअस फॉरेस्ट में है, टीक जो है डेसिडुअस फॉरेस्ट की एक मेन वो है ट्री स्पीसीज है, ठीक है। अगर हम मोस्ट डेसिडुअस की बात करते हैं तो ये यहाँ की है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी डेसिडुअस के और भी बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे कि कुसुम हो गया, टीक हो गया, साल हो गया, आंवला हो गया, महुआ हो गया, सेमूल हो गया, हुर्रा हो गया, और सैंडलवुड हो गया, और क्या हो गया, सैंडलवुड हो गया। ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे भी आएंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएंगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया कि टीक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है। इफ़ यू ट्रैवल थ्रू हिमालयस यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नेचुरली ग्रो देयर, अगर आप हिमालयस में जाते हो तो आप नेचुरली कौन से प्लांट्स को देखोगे वहाँ उगते हुए, ठीक है। तो इसको याद रखना, देखो अभी बोला हिमालयस, हिमालयस हिमालयस में अगर होता तो हिमाचल आता, हिमालयस में आता है, तो क्या मामो डेसिडुअस फॉरेस्ट है, नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक सैंडलवुड एग्जांपल दिया था, क्या वो उसमें होना चाहिए, वो उसमें नहीं होना चाहिए, तो थर्ड तो उसमें होना ही नहीं चाहिए। तो इसका आंसर क्या जाता है, ए आ गया आंसर, क्या आ गया हमारा आंसर, हिमालयस, हिमालयस में तो एवरग्रीन वाले होते हैं ना डेसिडुअस थोड़ी ना, तो ए वाला आंसर आ गया। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, मैं क्या बता रही हूँ, आ गया आपको समझ में, क्योंकि जो वहाँ पे होता है वो टेम्परेट इन्वायरमेंट होता है, कौन सा इन्वायरमेंट होता है, टेम्परेट इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे, ठीक है। और मेनली वहाँ पे कॉनिफर स्पीसीज पाई जाती हैं हिमालयाज में, कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं, कॉनिफर स्पीसीज पाई जाती हैं, उसमें भी हमारा जैसे कि हम एग्जांपल बताते हैं ब्लू पाइन, फिर सिडार, स्प्रूस, ओक, ओक कुछ ऐसा है ओक, ठीक है, मैपल, रोडोडेंड्रॉन, तो ये सारे प्लांट जो हैं ये हिमालयाज में हमारे पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के नोट्स बना लेना, बहुत ही अच्छे से रट लेना, ठीक है। मैंने एक बताया, पहला बताया, सेकंड आंसर उससे हो जाता है हमारा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स ब्राक, लोहित, सुबानसरी, विच ऑफ द फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से कौन सी रिवर फ्लो करती है, ठीक है। तो आपको तो पता होगा जो ब्राक रिवर है वो नागालैंड, मणिपुर और जो मिजोरम जो है यहाँ से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, बंगाल में चली जाती है, तो ये तो कहीं अरुणाचल में जाती नहीं। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है अगर वो रोंग हो जाती है तो इसका आंसर आ जाता हमारा बी, तो इसका आंसर आ जाता हमारा बी। 26 का आ गया, आपको समझ में आ गया कि अगर हमें ब्राक के रिवर पता है, ब्राक जो हमारी है वो मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, वहाँ पे मतलब घूमती है, नागालैंड हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया वहाँ होती है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27 पे, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 का हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है। सबसे पहले हरी के वेटलैंड कन्फ्लुएंस ऑफ बीज एंड सतलुज, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो हरी के वेटलैंड है वो बीज एंड सतलुज के कन्फ्लुएंस पे ही बना हुआ है, ठीक है, बीज एंड सतलुज के कन्फ्लुएंस पे बना हुआ है, कहाँ पे, पंजाब में,
कहाँ पे है? पंजाब में। सेकंड है कियोलाडो घाना नेशनल पार्क, ये कन्फ्लुएंस, इसने बोल रहा है कि ये बीज और चंबल के कन्फ्लुएंस पे बना हुआ है, बीज और उसके कन्फ्लुएंस पे बना, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों है गलत स्टेटमेंट? क्योंकि एक एक रिवर है गंभीर एंड बनगंगा, बनगंगा के कन्फ्लुएंस पे ये बना हुआ है, ठीक है, गंभीर एंड बनगंगा के कन्फ्लुएंस पे बना हुआ। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी हो जाती है रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी ठीक। थर्ड देख लेते हैं, कोलेरू लेक कन्फ्लुएंस ऑफ मूसी एंड कृष्णा, जो हमारा कोलेरू है वो मूसी और कृष्णा के उस पर बना हुआ है, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ये हमारी स्टेटमेंट गलत क्यों होती है? क्योंकि ये जो है ये कृष्णा और गोदावरी के उसमें बना हुआ है, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा पे बना हुआ है। तो थर्ड भी तो हमारा जो थर्ड भी रॉन्ग हो जाता है। इसका आ जाता है आंसर ए। 27 का हमारा आंसर क्या आ गया? ए आता है हमारा आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर हिल्स एंड रीजन को हमें मैच करना, कौन सी हिल कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कार्डमोम, कार्डमोम जो है क्या कोरोमंडल पे पाई जाती है, कार्डमोम हिल्स, कार्डमोम हिल्स कहाँ पे पाई जाती हैं? मालाबार कोस्ट पे पाई जाती हैं। कहाँ पे हैं? मालाबार पे, केरला में, ठीक है, मालाबार कोस्ट पे पाई जाती हैं कार्डमोम हिल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी होगी रॉन्ग, अगर फर्स्ट होगी तो एक ऑप्शन कट गया। सेकंड है कैमूर हिल्स, कैमूर हिल्स क्या हमारे कोंकण कोस्ट पे पाई जाती हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैमूर हिल्स हमारी सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है, कोंकण कोस्ट पे नहीं पाई जाती। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी हो जाती है रॉन्ग। अगर दो काटती है हमारा आंसर आ गया सी, क्योंकि जो महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया में ही पाई जाती है, और जो मिकिर है वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में भी कहाँ पे? अरुणाचल, ठीक है। आ गया आपको समझ में? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 पे एन एच हमें बताने हैं कि कौन कौन सा इसमें मैच करता है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं NH4 चेन्नई एंड हैदराबाद, NH6 मुंबई एंड कोलकाता, NH15 अहमदाबाद एंड जोधपुर, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो अगर हम सबसे पहले NH4 की बात करते हैं तो थाने टू चेन्नई है, तो चेन्नई टू हैदराबाद तो ये है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम NH6 की बात करते हैं जो कि असम मेघालय मिजोरम में है, या फिर हजीरा टू कोलकाता, मतलब नॉर्थ ईस्ट में है ये हजीरा टू कोलकाता, तो मुंबई टू कोलकाता तो है नहीं, तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाते हैं। फिर NH15 अहमदाबाद एंड जोधपुर, क्या ये है? नहीं, ये हमारे असम को अरुणाचल से कनेक्ट करता है, मतलब बाई हाता टू वाक्रो वहाँ पर कनेक्ट करता, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाता है डी। तो जितने भी इससे हमें पता चलता है कि नेशनल हाईवेज भी हमें रटने हैं, ठीक है, नेशनल हाईवेज भी हमें रटने। अब अगर आपको पता हो कि नेशनल हाईवे का कलर क्या होता है तो वो होता है येलो एंड वाइट, क्या होता है? येलो एंड वाइट। अगर आपको पता हो स्टेट हाईवे का कलर क्या होता है, वो होता है ग्रीन एंड वाइट। एक होता है सिटी हाईवे, सिटी वाइट का होता है ब्लैक एंड वाइट। ये चीज़ याद रखना कलर कॉम्बिनेशन से, अगर आप याद कर पाओ तो। अगर हम सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे की बात करें तो वो है पहले NH7 था, इसका नाम अब NH44 हो गया, लॉन्गेस्ट हाईवे है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को हमारे जोड़ता है, मतलब श्रीनगर टू कन्याकुमारी तक जोड़ता है ये, ठीक है। आ गया समझ में ये क्वेश्चन? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई 10 डिग्री चैनल? तो आपको पता ही होगा 10 डिग्री चैनल पे सबसे फेमस है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो हमारे हैं वो कनेक्ट होते हैं, वो होते हैं सेपरेट होते हैं अंडमान एंड निकोबार से, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। विद रेफरेंस टू चांगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चांगपा कम्युनिटी के बारे में हमें कुछ चीज़ें बतानी है, चांगपा कम्युनिटी के बारे में। तो देख लेते हैं, दे लिव मेनली इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जो चांगपा कम्युनिटी है वो मेनली उत्तराखंड में रहती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो जो है वो लद्दाख में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? लद्दाख में। चांगपा या इसको चंपा कम्युनिटी भी बोलते हैं, ठीक है, लद्दाख में रहते हैं वो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी हो जाती है रॉन्ग, इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या? दे आर कैप्टन कैटेगरी ऑफ एसटी, ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड देख लें, दे रियर द पाशिमा गोट्स दैट इल्ड फाइन फाइन वूल, तो ये भी जो है हमारी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, वो पाशिमा गोट को भी वो करते हैं, तो रियर करते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है बी। तो याद रखना है ये एसटी में चांगपा कम्युनिटी, चांगपा कम्युनिटी कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हमें बताने हैं नेशनल पार्क वर्सेज उसमें से कौन सी रिवर फ्लो करती है, ठीक है। अब सबसे पहले आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्या उससे गंगा फ्लो करती है? क्या उससे गंगा फ्लो करती है? तो नहीं, उससे गंगा फ्लो नहीं करती, उससे करती है राम गंगा फ्लो। कौन सी? राम गंगा फ्लो करती है उससे। सेकंड है कांजीरंगा नेशनल पार्क, क्या उससे मानस फ्लो करती है? तो नो, देखो एक रिवर पास नहीं करती, कांजीरंगा से चार रिवर पास करती हैं, एक है ब्रह्मपुत्रा, एक है दिफ्लू, एक है दिफ्लू, एक है मोरा दिफ्लू, एक है मोरा धानसिरी। ये रट लेना कौन कौन से, ब्रह्मपुत्रा, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू एंड मोरा धानसिरी। तो ये चार रिवर काजीरंगा से पास होती है, मानस पास नहीं होती। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग। थर्ड देख लेते, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो मतलब उससे कावेरी रिवर फ्लो करती है, नहीं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। साइलेंट वैली से होती है कुंथी पूजा रिवर, कौन सी रिवर? कुंथी पूजा रिवर फ्लो करती है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो इसका आंसर आ जाता है डी, इसका आंसर आ जाता है डी। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33 पे।
द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट वाइल द मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लोज द ईस्ट. वाई, देखो इसमें रीज़न पूछा गया है कि जो नर्मदा रिवर है वो वेस्ट में ही क्यों फ्लो करती है. तो हमसे क्या पूछा गया है, रीज़न पूछा गया है. तो अब हम देख लेते हैं. सबसे पहले इट ऑक्यूपाइज ए लीनियर रिफ्ट वैली. क्या ये रिफ्ट वैली से फ्लो करती है? लीनियर रिफ्ट वैली से, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट, रिफ्ट वैली से फ्लो करती है इसलिए उधर जाती है. सेकंड है, इट फ्लोज बिटवीन द विंध्याज एंड सतपुराज. ये जो है विंध्या और सतपुरा से पास होती है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि विंध्या सतपुड़ा से पास होती है, लेकिन ये स्टेटमेंट रीज़न नहीं है कि वो वेस्ट में ही फ्लो करेगी. मतलब ये विंध्या सतपुड़ा में पास होने का मतलब ये थोड़ी ना कि वो वेस्ट में जाएगी, ईस्ट में भी जा सकती है अगर विंध्या सतपुड़ा में है. तो ये इसका रीज़न नहीं हुआ. वैसे ये स्टेटमेंट सही है. तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. थर्ड देख लेते हैं, द लैंड स्लोप टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया. जो हमारा लैंड का स्लोप है वो वेस्ट में है. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारा लैंड का स्लोप है वो है ईस्ट की तरफ, वो हमारा ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ नहीं है. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, लोकतक लेक एंड है नामदेफा नेशनल पार्क. ये कौन कौन से हिल्स में है ये? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो नोकरेक है वो बिल्कुल सिलिकर का गारो हिल्स में, और ये कहाँ पे है? मेघालय में. कहाँ पे है? मेघालय में. बिल्कुल रट लेना, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्रीवियस ईयर से अच्छी सीरीज कहीं पे भी नहीं मिल सकती आपको, तो इसको तो आपको रटना ही होगा. उसके बाद आता है लोकतक लेक. लोकतक जो लेक होता है वो कहाँ है? क्या वो ब्राइल रेंज में? ये ब्राइल रेंज में नहीं है, ये है मणिपुर में. ये कहाँ पे है? मणिपुर में है. ये कहाँ पे है? मणिपुर में. तो सेकंड स्टेटमेंट अगर रॉन्ग हो जाती है तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर सही है तो इसका आंसर क्या आ जाता है? ए आ जाता है. देख लेते हैं फिर भी. नाम डेफा नेशनल पार्क दाफला हिल्स. नाम डेफा नेशनल पार्क कहाँ पे? अरुणाचल में पाया जाता है. कहाँ पे है? अरुणाचल में पाया जाता है. तो इन सब चीज़ों को याद रखना, ठीक है? बस इसको याद रखना. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे. विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया. कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वाटर लगता है? तो आपको पता होना चाहिए, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, पेपर एंड पल्प, थर्मल पावर. तो याद रखना थर्मल पावर में सबसे ज़्यादा पानी लगता है. कितना? टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट का 88% हमारा थर्मल पावर ले लेती है. उसके बाद अगर कोई इंडस्ट्रीज में लेती है तो वो है पेपर एंड पल्प 26%. उसके बाद हमारी टेक्सटाइल जो की लेती है 7%. उसके बाद हमारी मतलब इंजीनियरिंग वर्क लेती है हमारी 5%. तो इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल. इंडियन कोल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? देखो सबसे पहले इंडिया में कोल घटिया होता है, ठीक है? घटिया कोल मतलब उसकी जो ऐश कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है? तो जो ऐश का जो फ्यूजन टेम्परेचर होता है वो भी ज़्यादा होता है. ऐश का जो भी होता है सारा ज़्यादा ही होता है. ऐश का कंटेंट भी ज़्यादा होता है, ऐश का फ्यूजन टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, ठीक है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल जो हमारी सही है, ठीक है? उसके बाद इसमें जो सल्फर का कंटेंट होता है वो कम होता है. सल्फर का कंटेंट होता है वो क्या होता है? कम होता है. उसके बाद इसमें और क्या होता है? एल्कली का कंटेंट भी कम होता है. इसका एल्कली का कंटेंट भी कम होता है और इसकी वॉशेबिलिटी करेक्टर भी कम ही होता है. वॉशेबिलिटी करेक्टर भी कम ही होता है. तो देख लेते हैं, हाई एश कंटेंट होता है बिल्कुल सही, लो सल्फर कंटेंट होता है बिल्कुल सही, लो एश फ्यूजन टेम्परेचर नहीं, हाई एश फ्यूजन टेम्परेचर. तो इसका आंसर आ जाता है ए. तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? ए, ठीक है? सारी प्रॉपर्टीज बता दी इंडिया का एश वो कोल कैसा है, इसीलिए हम बाहर से कौन सा बनाते हैं? कोकिंग कोल, ठीक है? ये इम्पोर्ट किए थे. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग लैटराइट सोलर क्रैटर. लैटराइट सोयल के बारे में हमें बतानी है, ठीक है? दे आर जनरली रेड इन कलर. जो ये लैटराइट सोयल हैं ये जनरली रेड होती है हमारी कलर में. तो एक बार देख लेते हैं. तो ये तो आपको पता ही होगा कि लैटराइट सोयल हमारी रेड होती है. अब हम देख लेते हैं, दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटाश. नाइट्रोजन पोटाश में नहीं, ये रिच नहीं होती. किस में होती है? आयरन में. किस में होती है? हमारी आयरन में ये ज़्यादा रिच होती है. तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी जो होती है फर्स्ट ठीक हो जाती है, फर्स्ट ठीक हो जाती है, सेकंड रॉन्ग. अगर सेकंड हमारी रॉन्ग हो जाती है ना तो एक स्टेटमेंट बनती है कि हमें ये भी पता है ना कि कहाँ कहाँ है. तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है और फोर्थ हमारी ठीक हो जाती है कि टपोका एंड कैश्यू नट ग्रो वेल इन दिस सोइल, दिस टाइप ऑफ सोइल, ठीक है? टी, कॉफी, रबड़, अरिका नट, कोकोनट, कैश्यू नट, ये सारी चीज़ें लैटराइट सोइल में बड़े अच्छे से होती है. मतलब जो भी प्लांटेशन क्रॉप होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से होती हैं लैटराइट सोइल में. कौन सी क्रॉप्स? प्लांटेशन क्रॉप्स. कौन सी क्रॉप्स? प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है? अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नेचुरल गैस अकर इन गोंडवाना बेड्स. सेकंड, मिक्का अकर्स इन अबंडेंस इन कोडरमा. थर्ड, धारवाड्स आर फेमस फॉर पेट्रोलियम. इसमें हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, गलत है, क्या है, ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही गलत है. सबसे पहले नेचुरल गैस अक्कर इन गोंडवाना बेड्स. नेचुरल गैस जो है वो गोंडवाना बेड्स में सबसे अच्छे से होती है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि गोंडवाना बेड्स में मेनली होता है कोल, आयरन, मैगनीज. कोल, आयरन, मैगनीज, लाइमस्टोन, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी हो जाती है रॉन्ग. सेकंड है, मिक्का अकर्स इन अबंडेंस इन कोडरमा. तो जो मिक्का होता है वो कोडरमा में सबसे ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मिक्का का हाईएस्ट प्रोड्यूसर भी कोडरमा ही है, ठीक है? तो ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाती है. थर्ड, धारवाड़ आर फेमस फॉर पेट्रोलियम. जो धारवाड़ है वो पेट्रोलियम के लिए फेमस है. तो याद रखना धारवाड़ में पेट्रोलियम नहीं पाया जाता, वहाँ पर पाया जाता है बॉक्साइट. वहाँ पर पाया जाता है बॉक्साइट, रेड ओकरे, रेड ओकरे एंड कैवलिन.
क्यावलिन ये पाए जाते हैं, वहाँ पे पेट्रोलियम नहीं पाया जाता, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है, तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, कंसिडर दी फॉलोइंग क्रॉप्स, हमें क्रॉप्स के बारे में बताना है, खरीफ क्रॉप कौन सी है, कौन सी बतानी है हमें, खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं, ठीक है, तो आपको पता ही होगा खरीफ क्रॉप कौन सी हैं, सबसे पहले पैडी, कॉटन, ज्वार, बाजरा, मेज, शुगर केन, ग्राउंडनट एंड पल्सिस, एंड पल्सिस, देखो कॉटन है इसमें बिल्कुल है, ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट भी है, ये अभी तो लिखा था ग्राउंडनट है, राइस है, पैडी है, वीट नहीं है, फोर काट दो, फोर काट दिया और सारे कर दो, सी आंसर आ गया, क्या गया इसका आंसर, सी हो गया, आ गया समझ में, खरीफ और रबी क्रॉप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल एग्रीकल्चर सेक्टर जो न्यूज़ में है वो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स, हमें पेयर्स के बारे में बताना है कि लिंबू, सिक्किम, कार्बी, हिमाचल, डोंगरी, कोंद, उड़ीसा एंड बोंडा, तमिलनाडु। तो एक चीज़ आपको याद ही होगी शायद, कार्बी एंगलोंग आपने कुछ नाम सुना होगा, वो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, मतलब नागालैंड वगैरह जो है वो वहाँ से रिलेटेड, जो कार्बी है वो कहाँ पे है, मेघालय में, कार्बी कहाँ पे है, मेघालय में है, तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है वो हो जाती है रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट अगर हमारी रॉन्ग हो जाती है तो हमारे फर्स्ट एंड थर्ड अपने आप सही हो जाते हैं, फर्स्ट मतलब लिंबू सिक्किम में है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, थर्ड डोंगरिया कोंद उड़ीसा में है, ये भी बिल्कुल सही है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन मतलब बोंडा पे, बोंडा तमिलनाडु में है, तो याद रखना बोंडा तमिलनाडु में नहीं है, ये भी उड़ीसा में ही है, कहाँ पे है, ये भी उड़ीसा में ही है, ठीक है, ये भी कहाँ पे, उड़ीसा में, तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग, तो इसका आंसर आ जाता है ए, इसका आंसर आ जाता है ए। कौन सी ट्राइब कहाँ पाई जाती है, कौन सी रिवर कहाँ है, कौन सी रिवर के अलोंग कौन सी फेमस सिटीज़ हैं, कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नेशनल पार्क से कौन सी नदी निकलती है, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, इतने सारे क्वेश्चन हो गए। आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, एट ए पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज़ दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक पर्टिकुलर स्टेट इंडिया उसकी की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बतानी, स्टेट कौन सी है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पासेस थ्रू नॉर्दर्न राजस्थान, वो उसी पे है जहाँ पे जहाँ से नॉर्दर्न राजस्थान से जो लैटिट्यूड पास होता है वो भी उसी लैटिट्यूड पे, तो देखो दो स्टेट्स हो सकते हैं, एक है सिक्किम एक है अरुणाचल, तो सिक्किम तो दे नहीं रखा तो एक अरुणाचल ही हो गया, इसका आंसर क्या होगा, अरुणाचल ही हो गया, और वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो 80% भी है और सेकंड 12% जो है उससे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में आता है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आ गया समझ में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, क्वेश्चन नंबर 42 पे, कोपिया ग्रीन पी पिजन पी, कोपिया ग्रीन पी पिजन पी के बारे में हमें क्या बताना है, कौन सी जो है ये पल्स फोडर और ग्रीन मैन्योर तीनों की तरह यूज़ होती है, तो याद रखना तीनों ही तीनों की तरह यूज़ होती हैं, कौन कौन सी थी, कोपिया ग्रीन पी पिजन पी, ठीक है, तो तीनों ही ऐसे यूज़ होती हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, 43 का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रीडोमिनेंटली रेन फेड क्रॉप्स, मतलब जो रेन पे डिपेंड होती हैं उनको कुछ ज़्यादा मतलब इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए, वो रेन फेड ही क्रॉप होती हैं, तो हमें बताना कि कौन सी, तो याद रखना ग्राउंडनट भी है, सीसम भी है और पर्ल मिलेट भी है, ठीक है, ग्राउंडनट भी है, सीसम भी है, पर्ल मिलेट भी है, ये सारे ही जो हैं वो रेन फेड क्रॉप है, सारी कौन सी हैं, रेन फेड क्रॉप है, ठीक है, और मिलेट की अगर मैं बात करूँ वही है रेन फेड, अगर और इनकी बात करूँ तो इसमें एक सोरगम भी आ जाता है, सोरगम भी आ जाता है, अगर इसमें पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट को तो हम बाजरा भी बोलते हैं, एक होता है फिंगर मिलेट, एक बोलते हैं फिंगर मिलेट, फिंगर मिलेट को हम बोलते हैं रागी, रागी भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये हो जाती है, तो ये 43 का डी हो जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, व्हेन यू ट्रेवल इन हिमालयाज यू विल सी दी फॉलोइंग, अगर आप हिमालयाज में जाते हो तो आपको क्या क्या दिखेंगे, डीप गॉर्जेस, यू टर्न कर्व्स, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, स्टीप ग्रेडियंट्स कॉजिंग लैंडस्लाइड, अगर आप इंडियन ज्योग्राफी की बुक पढ़ते हो ना एनसीईआरटी वाली, तो आप इस क्वेश्चन को तो क्या मतलब इतने मतलब पानी की तरह कर दोगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, सारी ही अगर आप हिमालयाज में जाते हो तो वो यंग वहाँ पे मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं हिमालय के यंग फॉल माउंटेन होने के। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया, जो ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून है वो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया डिक्रीज हो जाती है, सेकंड है द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कई हो जाता, तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जब साउथ वेस्ट मानसून साउथ से नॉर्थ में जाता है तो वो भी घट जाता है, और जब हमारा ये जो इधर से नॉर्थ ईस्ट इधर से वेस्ट से ईस्ट जाता है तो वो भी कम हो जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है सी, जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है सी, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 46 पे, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज़ दी मोस्ट सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्किड्स, ऑर्किड्स सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं मिनिमम कॉस्ट पे, तो याद रखना ऑर्किड स्टेट, तो अगर अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले कि ऑर्किड स्टेट जो है अरुणाचल को बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सब ट्रॉपिकल से टेम्परेट तक का होता है, ठीक है, और मेन यहाँ पे मतलब ऑर्किड्स तो होते हैं, यहाँ पे फर्न्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, फर्न्स हो गए, बैम्बू हो गए, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, रोडोडेंड्रोन हो गए, रोडो
डेंड्रोन हो गए, ओक हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट में मिलती हैं। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। टू इंपॉर्टेंट रिवर्स, वन विद इट्स सोर्स इन, एक का सोर्स है झारखंड में और दूसरी का सोर्स है उड़ीसा में, और एक स्टेट एक छोटे से डिस्टेंस पे मिलती है बेंगाल के पास, ठीक है। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ, और वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोडाइवर्सिटी और प्रोटेक्टेड एरिया तीनों चीज़ें हैं उस जगह पर, तो वो एरिया कौन सा है, तो वो एरिया कौन सा, तो याद रखना वो कौन सा एरिया है, भीतरकनिका वाला एरिया है, वो कौन सा एरिया है, वो भीतरकनिका वाला। और जो झारखंड से जो रिवर निकलती है वो होती है ब्रह्मानी, ब्रह्मानी, और जो उड़ीसा से जो रिवर निकलती है उसका नाम है बैतरानी, उसको क्या कहते हैं बैतरानी, और ये सारी वहाँ पे मिलती है। क्या आपको समझ में आया, आपको समझ में आया सारी चीज़ें? और जो ये भीतरकनिका आपको पता ही चल गया होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है, और इस मतलब भीतरकनिका नेशनल पार्क से और भी रिवर फ्लो करती हैं, उनका क्या क्या नाम है, एक है धामरा, एक है धामरा, एक है पथशाला, एक है पथशाला, ये दो रिवर होती हैं, ये भी जो है इससे भीतरकनिका इससे इसमें से पास होते हैं नेशनल पार्क से, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। इंडिया इज रिगार्डेड एज ए कंट्री विद डेमोग्राफिक डिविडेंड, दिस इज ड्यू टू, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, वही पूछा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है हमारी जो यंग एज पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, हमारी जो यंग एज पॉपुलेशन है वो ज़्यादा, उसी को बोलते हैं मतलब 15 to 64, 65 तक की एज के, तो इट इज़ हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर्स। तो हो गया 48। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। द हिमालयन रेंज इज़ वेरी रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फिनोमिना। हिमालयन रेंज में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इसका मतलब सबसे अप्रोप्रिएट रीजन आपको क्या लगता है, तो वो पूछा है। क्या वहाँ पे हाई रेनफॉल होती है इसलिए वहाँ की वेजिटेशन ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं है। इट हैज़ कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन, ये बिल्कुल सही से, वहाँ पे बहुत सारे बायोजियोग्राफिकल जोन का कॉम्बिनेशन है इसलिए वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो यही स्टेटमेंट है बिल्कुल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। द लोअर गैंगेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर द रीजन। लोअर गैंगेटिक प्लेन है सबसे पहले तो, और वहाँ का ह्यूमिड क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर कहाँ पे, थ्रू आउट द ईयर, कौन सा है, थ्रू आउट द ईयर। तो देखो ज़्यादा पानी, हाई टेम्परेचर, ठीक है, तो किसको चाहिए, पैडी एंड जूट को ही चाहिए, वीट को सर्दियों का मौसम चाहिए, वीट को सर्दियों का मौसम चाहिए, कॉटन को इतना ज़्यादा वो नहीं चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट, उसको फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए काफ़ी टाइम तक, ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो इसमें आ गया पेडी एंड जूट, इसका आंसर आ जाता है पेडी एंड जूट। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा आज भी हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ज्योग्राफी के फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी, जैसा कि आपने देखा, और आपने देखा होगा कि आपने इस टेस्ट में कितना इंप्रूवमेंट किया होगा, अगर आपने ये टेस्ट पहले नहीं किया था और अभी आपने ये टेस्ट किया है और अगर आपने सुना भी है तो आपको पता चला होगा कि कितने सारे क्वेश्चन आप कर सके। इसके बाद हमारे 2 लेक्चर्स और आएंगे जिसमें कि हम अप्रोक्स 50-50 क्वेश्चंस और करेंगे, तो इसी तरह से हमारी सीरीज़ के साथ आप बने रहिए। अगर आपको हमारी ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक की करें बिना इस वीडियो को मत जाना, और चैनल को और अपने आपके अपने चैनल आई विल को सब्सक्राइब करो और नई नई बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशंस जल्दी जल्दी मिलती रहे, और हम जल्दी जल्दी नए लेक्चर्स भी बनाएंगे। अभी जैसे कि हमारे 3 लेक्चर्स बनेंगे ज्योग्राफी के, वो होंगे मतलब इंडियन, वो होंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज से, उसके बाद जो हमारे होंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज जिसमें हम 8 लेक्चर्स बनाएंगे 50-50 क्वेश्चन के, 400 क्वेश्चन जिसमें हम करवाएंगे इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है, 2020-21 में और 2022 में, दोनों ईयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और मास्क लगाते रहिए, ढिलाई मत बरतिए मास्क में, और वैक्सीन जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगवाइए। और इसी नोट पे आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।